और हाँ, आपने मुझे पहली बार इसमें देखा होगा शायद, पता नहीं, आई एम लुकिंग क्यूट, आई एम लुकिंग अच्छा लग रहा हूँ। ये इसलिए है कि कान ढके रहते हैं, ठंड लगी पड़ी है भाई साहब। हाँ भी तो क्या ना सबके, वेलकम बैक टू द चैनल, न्यू सीनरी, न्यू बैकग्राउंड, एंजॉय कर रहे हैं, आज बाहर आके वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। ओके, तो ये वीडियो मेरी काफ़ी दिनों से प्लान थी, लेकिन जनवरी में एक के बाद एक ऐसी चीज़ होती रही कि मुझे टाइम ही नहीं मिला रिकॉर्ड करने का या इस वीडियो को बनाने का। पहले तो हमारी डेट शीट्स आ गई, प्री बोर्ड स्टार्ट हो गए, और फिर जो इस वीडियो का मेन टॉपिक है कि जनवरी वॉज वाइल्ड, इतनी सारी पार्टीज थी जनवरी में, इतनी सारी सेलिब्रेशन थी, मतलब जनवरी वॉज लाइक अ रोलर कोस्टर। कभी दिन बहुत अच्छे जा रहे थे, कभी दिन बहुत खराब जा रहे थे। पिछले 3-4 दिन तो मेरे बहुत ही अजीब गए हैं, क्योंकि मेरे को कफ एंड कोल्ड हो गया, थोड़ा सा फीवर हो गया, थ्रोट खराब हो गया। अगर इस वीडियो में आपको मेरी आवाज़ एनर्जी लो लग रही तो इस बिकॉज कि मेरा भी गला खराब है और दवाइयाँ चल रही हैं, और दवाइयाँ मेरे साथ तो बहुत दुश्मनी है दवाइयों की, मैं दवाई खा ही नहीं पाता, मतलब मैं से नहीं दवाई खाई जाती। बट कमिंग बैक टू टॉपिक, जनवरी वॉज वाइल्ड। जनवरी में इतनी सारी पार्टी थी, इतनी सारी सेलिब्रेशन थी, बर्थडे थे स्पेशली, इतने सारे बर्थडे थे। बट मैंने सोचा कि अलग अलग वीडियो बनाना अच्छा है कि एक ही वीडियो में सारी बात कर लेंगे, सारे बर्थडे के थोड़े थोड़े रिकॉर्डिंग सब में डाल देंगे। स्टार्ट करते हैं पहली सेलिब्रेशन से। तो पहली पार्टी थी एक ट्यूशन पार्टी, हमारी ट्यूशन जो जहाँ पे मैं केमिस्ट्री पढ़ता हूँ, केमिस्ट्री की एक सेलिब्रेशन पार्टी थी। तो फर्स्ट टाइम इन द ईयर सारा जो ग्रुप था, नया बैच था, वो इकट्ठा हुआ, क्योंकि हम स्टार्टिंग से ट्यूशन नहीं गए, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस थी। यहाँ पे हरजस भी थी, तलविंदर भी था, जिनको नहीं पता तलविंदर हरजस का भाई है, कजन ब्रदर है। हरजस को तो चलो सब जानते ही हैं पुराने व्लॉग्स में से, बट वहाँ पे तलविंदर था, और बेस्ट पार्ट था वहाँ की फोटोज। अगर आप मेरी फोटोज नहीं देख पा रहे तो मतलब आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा, मतलब काफी चीजें मिस कर रहे हो। आजकल इंस्टाग्राम पे भी नया नया कंटेंट आना शुरू हो गया मेरी तरफ से, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, ये फोटोज जो भी देख रहे हो ये सब इंस्टाग्राम पे पहले से हैं, फॉलो करो यार, भाई का टोरा वहाँ भी तो देखो। ओके, तो नेक्स्ट पार्टी थी हमारी फेयरवेल। जिस दिन हमारी ये ट्यूशन की पार्टी थी उसे कुछ दिन के बाद ही हमारा फेयरवेल था। फेयरवेल एक ऐसी पार्टी थी जिसके पीछे काफी सारी प्लानिंग चली, कभी कोई पार्टी होस्ट कर था, कभी पार्टी कहीं और हो रही थी, कभी पार्टी कहीं और हो रही थी। 12 साल की जो मेमोरीज थी वो इकट्ठी हो गई और ताजा हो गई। इनफैक्ट वहाँ पे बहुत मजा आया। यार तुम छोड़ो यार, मैं ऐसे तरीका नहीं बताता, ट्रेन लगाए प्रेरणा आ जाए। स्क्रिबल डे पेंडिंग है, तो जो तुम देख रहे हो मेरी वीडियो, स्क्रिबल डे का भी कुछ करो यार, कुछ करो प्लानिंग। तो स्कूल भी खुल गया, तो फेयरवेल भी हो गई, बट उतना मजा नहीं आया, क्योंकि जब तक फेयरवेल स्कूल में ना हो, वो चाउमिन और समोसा ना मिले स्कूल की प्लेट्स में, तो जो मजा आता है जब वो पीटी सर पीच देते हैं, इंग्लिश वाली मैम एकदम खुश होती है पीटी सर की। मैं किसी दिन ना कुछ होना हो, मेरे पे कोई केस होना हो, मेरे स्कूल वाले मुझे किस दिन ना किसी ने मेरे पे केस करेंगे। तो बात शुरू हो गई बर्थडे की लेडीज। पहला बर्थडे था बानी का, यानी कि हरलिफ का, और बानी का बर्थडे इज लाइक टू सेलिब्रेशन इन वन डे, क्योंकि जिस दिन बानी का बर्थडे होता है उस दिन लोहड़ी होती है, वो लोहड़ी वाले दिन ही पैदा हुई थी बानी। तो हम सब ने लोहड़ी भी सेलिब्रेट करी, इस बार हमने लोहड़ी नहीं पाली ड्यू टू सर्टेन रीजंस, बट बर्थडे सेलिब्रेशन करा। अभी तो 12 बज गए हैं, मतलब बजने वाले 5-10 मिनट हैं, हम जा रहे हैं बानी के पास, बलून शलून ले लिए, केक वहां पहुंचा दिया, केक काटेंगे कि तुसी बलून लेना है 5 रुपए जैसी, दो बिलून देते हैं पीछे चांद लग रहा है ना बट लाइट। यार हमारे बर्थडे पे तो किसी ने नहीं करा कुछ ऐसा कभी भी, यार ऐसा क्यों यार, हम भी तो अच्छे बच्चे हैं यार, हमारे बर्थडे पे कोई भी ऐसा सरप्राइज नहीं देता यार। 12 बजे इतनी ठंड हो रही है ना, उससे उसको रुका नहीं जा रहा भाई, उससे केक के लिए रुक जा मेरी। एक हमने छोटी सी फैमिली गैदरिंग घर पे करी, काफी एंजॉय करा, बानी ने तो इतना एंजॉय करा, उसको केक का, गानों का, डांस का इतना शौक है। बानी ने काफी एंजॉय करा, और वो बेस्ट चीज थी, बानी इतना एंजॉय करते किसी भी सेलिब्रेशन को या पार्टी को। उसके बाद आता है शिवम का बर्थडे, और शिवम का बर्थडे एक ऐसी सेलिब्रेशन थी जो मुझे लगा कि इतनी बड़ी कोई पार्टी हो नहीं पाएगी, क्योंकि एक्चुअल में मसला क्या था कि जिस दिन उसका बर्थडे होता है 15 जनवरी को, उस दिन हमारा प्री बोर्ड, मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई प्री बोर्ड है, यहाँ तो तू पार्टी कर ले, यहाँ तो हम पेपर दे ले, अगर तू पार्टी करता तो घर वाले घर से निकाल देंगे। बट हमने मैनेज कर लिया, हमने पार्टी करी 16th को, 18th को हमारा प्री बोर्ड था। हमारे स्कूल वाले देख रहे हो, सोच रहे होंगे कि अच्छा ये चल रहा है प्री बोर्ड। खैर लाइट
हैप्पी बर्थडे लाडले वो देख लो फिर कहोगे व्लॉग में नहीं लिया मैंने। पार्टी भी हो गई और एंजॉय करा, मतलब छोटी सी और एक छोटी सी गैदरिंग थी, बस 5-6 हम दोस्त यार थे। कभी कभी तो मुझे मौका मिलता है यार ग्रिल्स के साथ वीडियो रिकॉर्ड करने का, वैसे तो कोई आता ही नहीं वीडियो में। अरे यार मुझे ना शर्म आती है, पता नहीं क्यों, मैं लड़कियों के सामने बहुत शर्म आ जाता हूँ। ठीक है, तो शिवम का सेलिब्रेशन हुआ, उधर तो हम एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, ज़्यादा रिकॉर्ड कर रहे नहीं, बट हमने हरकतें बहुत करी। बस हम कुछ कदम दूर थे रेस्टोरेंट के धक्के खाने से, बस वो भी धक्के मार के मैं निकालने ही वाले थे कि हम खुद ही तमीज़ से बाहर आ गए कि अच्छा नहीं लगता ऐसे किसी के बर्थडे की पार्टी वाले दिन हम मार खाते हुए बाहर आ रहे हो। तो उसके बाद आता है रमनीत का बर्थडे, तो इतना लेजेंडरी बर्थडे होता है क्योंकि उसका बर्थडे आता है 26 जनवरी वाले दिन, और 26 जनवरी हम सबको पता है कि कैसी गई है इस साल 26 जनवरी का मतलब ही कुछ और था। तो क्योंकि हमने उससे पहले पार्टी काफ़ी कर ली थी मैंने और रमनीत ने, जो आपने देखा न्यू ईयर वाला हमारा व्लॉग, उसमें न्यू ईयर में मैं दशलीन डॉली यानी कि तनमीत, आपको इंटरनल नाम नहीं पता होंगे ना, अभी थोड़ा थोड़ा जिद्दे पर चलेंगे। तो रमनीत था, रमनीत की बहन थी, मैं था, दशलीन था, हमने उस समय पार्टी करी। लेकिन हमने सोचा था कि इस साल हम उसके बर्थडे में भी ऐसा कुछ करते हैं बॉनफायर टाइप, बट सबको पता है 26 जनवरी दिन क्या हुआ। लेकिन मैं एक छोटा सा केक एज अ सरप्राइज उसके लिए ले गया था, हमने वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि मैं इतना इंटरनेशनल ब्लॉगर हूँ, मैं उसको केक देने गया हूँ, मेरे फोन में सिर्फ 2% बैटरी थी और मैं उस टाइम पर क्या रिकॉर्ड करता। तो हमने छोटा सा केक काट लिया, उसके कोई विजुअल्स नहीं है बट आप समझ सकते हैं कि मैंने रमनीत ने और उसकी बहन तनमीत ने हमने एक छोटा सा केक काट लिया। फिर हम बाहर कुछ खाने चले गए और ज़्यादा कुछ सेलिब्रेशन हो नहीं पाई क्योंकि सबको पता है इस बार 26 जनवरी के दिन क्या हुआ। ये है कि इसके अलावा भी बहुत सेलिब्रेशन थी और बहुत बर्थडे थे जो सर्टेन रीजन हमें बुलाया नहीं गया, तो खुद देख लो अगर बुला लेते तो आज फिर तुम व्लॉग में आ रहे होते। लेकिन अभी क्या है कि फरवरी के पहले 10 दिनों में 2 स्पेशल बर्थडे आ रहे हैं। एक बर्थडे आ रहा है मंदीप का, जिससे अभी तक मेरे ख्याल से रूबरू नहीं हुए हैं वीडियो में, बट और फिर बर्थडे आ रहा है हरजस को, कोशिश करते हैं कि व्लॉग कर सके दोनों के बर्थडे बहुत स्पेशल है हमारे लिए। और बट इशू ये कि दोनों के बर्थडे तब आ रहे जब स्कूल खुलने वाले हैं, तो कुछ ना कुछ करते हैं। और इतने सारे बर्थडे सेलिब्रेशंस, इतने सारी सेलिब्रेशंस के बाद भी जनवरी बहुत डिप्रेसिंग गया है। अभी 3 दिन पहले जो ये सब हुआ फार्मर्स को लेके ये सब करके, तो मैं एक्चुअली काफ़ी जल्दी ना बातों को अपने ऊपर ऑब्जर्व कर लेता हूँ, तो बहुत जल्दी मैं हर्ट हो जाता हूँ। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैंने बहुत सारी IGTVs, बहुत सारी मैंने वीडियो स्टोरीज में इतनी शेयर करता था मैं दिन के दिन कि वो सारी न्यूज़ को इतना ऑब्जर्व करने के बाद मेरी उसके कारण भी तबीयत खराब होगी, बट एक मेंटली ट्रॉमा जिसको कहते हैं कि मैंने इतनी सारी खून खराब और विजुअल्स देखे कि मेरा खुद की हेल्थ डाउन हो गई, इसलिए मैं अभी अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो मैंने सोचा कि एक लाइट हंसी मजाक वाली वीडियो बनाते हैं, तो ये एक वीडियो थी, मैंने सोचा कि ये वाली करते हैं। जनवरी वॉज वाइल्ड, मतलब बहुत कुछ हो गया जनवरी में, फार्मर्स प्रोटेस्ट को ले लो या सेलिब्रेशन को ले लो, बट इतने सारे बर्थडे और सेलिब्रेशन देखने के बाद लग रहा है कि मेरे बर्थडे पे शायद ही कोई आए, क्योंकि मेरा बर्थडे आएगा बोर्ड्स में 27th of May मेरा बर्थडे होता है, तो उस दिन तो बोर्ड होंगे। मुझे नहीं लगता कि मेरे बर्थडे पे कोई आएगा, ऐसे निकल जाएगा मेरा बर्थडे, हम CBSE के क्लासरूम में बैठ के पेपर दे रहे होंगे। लगता है जब आप किसी की बर्थडे सेलिब्रेशन पे जाओ ना, तो पता नहीं मुझे, आपको तो पता नहीं बट मेरा बड़ा होता है, मैं वहाँ पर बैठ के सोच रहा हूँ कि मेरे बर्थडे पे क्या होगा, मेरे बर्थडे पे कोई गिफ्ट आएगा, ये होगा। मैंने कभी कभी हमने इतना कोई सेलिब्रेशन नहीं करता कि रात के 12 बजे कोई आ रहा हो केक काटने, वो सब नहीं करता कोई, बट खैर देखते हैं कि कौन आता है बर्थडे में कैसा होता है। आगे भी पार्टीज आ रही हैं, आगे भी सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, आई होप जनवरी जैसा ना सब अच्छा जाए, रोलर कोस्टर ना। आई होप आपको एक छोटी सी लाइट वीडियो पसंद आई हो, हंसी मजाक सबके सेलिब्रेशंस, मैं क्या लल्ला व्लॉग बना सकता अच्छा है कि एक ही व्लॉग में डाल दो। दुआओं में याद कर सकते हो भाई को, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, इट हैज बीन योर बॉय हरजोत सिंह। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मिलते हैं फिर कभी अगले किसी वीडियो में।